वेलकम टू बोल्डस्काई। सोनम कपूर अहूजा को खाने से काफी लगाव है, हालांकि एक्टिंग प्रोफेशन में होने के चलते वो इस बात का खासा ख्याल रखती हैं कि वो जंक फूड से दूर रहें और वो हमेशा हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करती रहें। इसके बावजूद सोनम को इंडिया में जंक फूड की दुनिया में सबसे बेहतरीन क्या लगता है वो हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल इंस्टाग्राम पर सोनम ने एक लाइव सवाल जवाब सेशन रखा था। इस सेशन के दौरान एक फैन ने उनसे पूछा कि उनको स्ट्रीट पर मिलने वाले गोलगप्पे कैसे लगते हैं। सोनम ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि मुझे चाट बेहद ही पसंद है। मुझे लगता है कि इंडिया में जंक फूड या स्ट्रीट फूड दुनिया का सबसे बेस्ट फूड है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया के जंक फूड की किसी और चीज़ के साथ कंपैरिजन भी किया जा सकता है। सोनम कुछ समय पहले ही अपने पति आनंद आहूजा के साथ हनीमून हॉलीडे पर जापान गई हुई थी और वो वहाँ पर वेगन रेस्टोरेंट ढूंढने में कामयाब रहे थे, जहाँ दोनों ने ब्राउन राइस का लुत्फ उठाया था। आपको बता दें कि सोनम कपूर और आनंद आहूजा ने काफी समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद पिछले साल ही शादी कर ली है। इस दौरान फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों ने भी शादी में शिरकत की थी। एक इंटरव्यू के दौरान सोनम ने बताया था कि आनंद के साथ उनकी पहली मुलाकात कैसे हुई थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि हमने मिलने से पहले लगभग 2 महीने तक फेसबुक, स्नैपचैट और फोन पर बात की थी। इसके बाद हमने लंदन में मिलने का फैसला लिया। अगर सोनम कपूर के वर्क फ्रेंड की बात करें तो सोनम कपूर कुछ समय पहले एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा मैं नजर आई थी। इस फिल्म में अनिल कपूर, राजकुमार राव और जूही चावला जैसे सितारे भी नजर आए थे। सोनम फिलहाल अपनी नई फिल्म को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है। इस फिल्म का नाम है द जोया फैक्टर। इस फिल्म में दुलकर सलमान और संजय कपूर जैसे सितारे भी नजर आएंगे। ये फिल्म इसी साल 20 सितंबर को रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म साल 2008 में आई अनुजा चौहान की बुक पर आधारित है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसी लगी है आपको ये वीडियो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।